गुड मॉर्निंग डे थ्री और इट्स चेकआउट टाइम। अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं फ्रेंड्स और यहाँ पे सुबह का नाश्ता सर्व हो रहा है। अभी जाते हैं नीचे, जो फ्री ब्रेकफास्ट है उसको खाते और एंजॉय करते फ्रेंड्स। अभी जाते हैं नीचे और क्लाइव से भी मिलते हैं, बहुत पेट भर के नाश्ता करने का, क्योंकि आज हम लोग का चेकआउट वाला डे है और हम लोग सोच रहे हैं कि बैग यहीं पर हम लोग रिसेप्शन पर रखें और नॉर्थ में थोड़ा घूमें और उसके बाद 2 से 3 बजे हम लोग निकल जाए साउथ के लिए, क्योंकि साउथ में हम लोग को स्कूटी रिटर्न करनी है और उसके बाद हम लोग की ट्रेन है डायरेक्ट मडगांव से मुंबई के लिए। वैसे तो हम लोग का चेकआउट 11 बजे, बट मैं रिसेप्शन पे सामान रख दूंगा क्योंकि ये अलाउड है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग रिसेप्शन पे आपका सामान रख सकते हैं और उसके बाद थोड़ा यहाँ वहाँ घूम सकते हैं और उसके बाद जब आपका टाइम हो जाएगा ट्रेन का तो आप लोग ले सकते हो आपका सामान और जा सकते हो आपके स्टेशन और उसके बाद सीधा घर। तो ये सही है यार, यहाँ पे एक अच्छा सिस्टम है कि आप लोग रिसेप्शन पे सामान रख सकते हो बिना किसी टेंशन के। तो चलिए अब चलते हैं। साढ़े 9 बज रहे और अभी हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं। जस्ट मैं बैठा था, क्लाइंट से बात कर रहा था, बहुत सारी नॉलेज ले रहा था, तो अभी चलते नाश्ता करते अच्छे से। अगेन विष्णु भाई, कैसे आ तुम्ही, कैसे चल रहे, काय काय ब्रेकफास्ट मध्ये? पराठा है, पराठा है और उसमें आलू का सब्जी, उपमा है, उपमा, ब्रेड, ब्रेड बटर भी है, चाय कॉफी जूस, नॉनवेज में ऑमलेट। सुपर ब्रेकफास्ट एट कैमलॉट फैंटेसी रिसोर्ट। या सही यार, सुपर ब्रेकफास्ट इज गोइंग ऑन। ऑमलेट लिया है, ब्रेड और बटर है, भाजी है एंड पराठा है विथ सम पाइनएप्पल जूस बाय द पूल। वाव यार, कैमलॉट फैंटेसी मस्ट विजिट प्लेस फ्रेंड्स, मस्ट विजिट प्लेस, ट्रूली सुपर्ब, लाइक अ सैंडविच, माय गॉड। गर्म है, ब्रेकफास्ट का टाइम है 8:30 से 10:30 बजे तक, बट हम लोग 9:30 बजे आए फिर भी गर्म है। सो फ्रेंड्स, मैंने चेकआउट कर लिया है और हम लोग ने बैग्स रख दिए रिसेप्शन एरिया में। आप लोग देख सकते हो ये है कैमलॉट फैंटेसी का रिसेप्शन एरिया और वहाँ पे एक लाइव है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के टाइमिंग भी है। वाओ, सो अभी बैग इधर रख दिया है, अभी घूमने निकलते हैं। अपने पास बाइक की चाबी तो है और अपने को बाइक देनी है रिटर्न शाम तक, क्योंकि अपनी ट्रेन है। तो मैं मडगांव जाके बाइक रिटर्न करूँगा और फिर ट्रेन पकड़ के घर जाने वाला हूँ। लेकिन उसके बीच में अभी जैसे मैंने बैग यहाँ रखा है, अभी जा रहा हूँ घूमने के लिए, सिंक्यूरियम साइड जाऊँगा या फिर कैंडोलिम के यहाँ पर रुकूँगा, देखते हैं कहाँ पर मुझे अच्छा क्राउड मिले। तो अभी जाते हैं कैंडोलिम पर और रिलैक्स करते हैं। ओके, तो स्कूटी यहाँ पे पार्क कर दी और पहुँच चुके हम लोग कैलंगुट बीच पे। अभी चलते हैं, यहाँ पे पार्किंग एरिया है एंड आप लोग देख सकते हो मैं हूँ अभी कैलंगुट बीच पे। कितना है इसका वाटर स्पोर्ट्स का? 1300 5 राइड। तो 1300 5 राइड, सही, 1300 में 5 राइड आप लोगों को आराम से मिल जाएगी। ओके, राजा भाई की इधर नंबर आप लोग चेक कर सकते। तो अभी ले लिया मैंने पार्किंग का, जैसे 30 रुपये की है पार्किंग यहाँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पार्किंग की और आप लोग देख सकते हो जस्ट उसके सामने है सागर होटल, बहुत ही फेमस है और सागर रेस्टोरेंट के यहाँ से अपने को जाना है बीच की तरफ। चलिए चलते कैलंगुट बीच, काफ़ी टाइम के बाद मैं आ रहा हूँ यहाँ पर। सही यार, बहुत जगह पर आप लोगों को बाइक रेंटल्स मिल जाएंगे, जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भी है रेंट बाइक का ही ऑप्शन एंड कलंगुट रेसिडेंसी भी है यहाँ पर। सही है, सागर रेस्टोरेंट बहुत ही फेमस है बाय द वे। इस तरफ है कलंगुट बीच का रास्ता। नहीं नहीं गाइस, यहाँ पे बहुत सारे जगह आप लोगों को मिल जाएंगे एंड वाव यार, एक से एक दुकान है यहाँ पे, जहाँ पे आप लोगों को अगर हुक्का वगैरह ख़रीदना रहेगा तो आप लोग ख़रीद सकते हो। नेचुरल्स आइसक्रीम वाला भी है यहाँ पे। नहीं नहीं टैटू नहीं, नहीं नहीं कर दिया वाटर स्पोर्ट भाई, कर लिया, कितनी व्यस्त है ना। वाव, सो फ्रेंड्स पहुँच चुके हैं अपन कैलंगुट बीच।
वाह यहाँ पे आप लोगों को काजू वगैरह भी मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को ड्रेसेस खरीदने हैं तो आप लोग यहाँ पे खरीद सकते हो, अलग अलग टाइप के हैं। तो ब्लैक वाला कहाँ लौटते हैं, जस्ट इसके सामने आप लोगों को मिल जाएगा बीच, फेमस कैलंगूट बीच। यहाँ पे चालू है Wow. This beach is not that much clean, जितना ये बीच क्लीन है और गार्ड्स भी बहुत अच्छे से। यहाँ से कैसे करना है? चलो उस तरफ चलते हैं, टिप्सी साइड में सूजा लोबो है, टिप्सी है। अब चलते हैं आगे की तरफ। यार टिप्सी बहुत फेमस है फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि लोगों को टिप मिलता है अच्छा खासा। लोबोस पाम भी बहुत फेमस है, सी क्वीन रेस्टोरेंट है यहाँ पे। ये म्यूजिक पे सच में जो वाइब्स आ रहे हैं ना गोवा में, अच्छा लग रहा है ना। यू विल नेवर गेट दिस एनीवेयर। या ट्रू, पर ज़्यादा गर्मी भी नहीं लग रही है। नहीं, नॉट एट ऑल, गर्मी भी नहीं लग रही है फ्रेंड्स ज़्यादा। बहुत मज़ा आ रहा है सच में। तीन शैक्स पे अगर बीच बेड मिल अच्छा वाला तो बैठ जाते हैं। आप लोग देख सकते हो गोवा में फ्रेंड्स बहुत सारे लोग आए, टूरिस्ट है, फॉरेनर्स है। वाओ वाओ यार, चलते हैं अभी शैक्स पे, उस साइड जाके देखते हैं कलंगुट में क्या क्या शैक्स ओपन है। वाओ यहाँ पे बहुत सारे लोग नहा रहे, एंजॉय कर रहे फुल, सही है। तो फ्रेंड्स वो एंट्रेंस है कलंगुट बीच का, हम लोग पहले इस तरफ गए थे और अभी हम लोग इस तरफ जाने वाले हैं, चलते हैं। बहुत सारी जगह पे होंगे। तो फ्रेंड्स मैं हूँ बे वॉच कैफे में और ये शैक है, यहाँ पे अभी हम लोग बैठ रहे हैं। अच्छा है, सब साफ इफ करके मिलेगा एंड कैलंगुट बीच पे ही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये उनका शैक यहाँ पर है, ये उनका रेस्टोरेंट है बे वॉच एंड हम लोग यहाँ शैक पे बैठे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बे वॉच कैफ़े का मेन्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग को ड्रिंक्स मिल जाएगी बियर में, पाइंट सिर्फ 130 रुपीज़ में, वो भी शैक पे बैठ के। और अगर लार्ज बियर्स लेनी है तो 190 से स्टार्ट होता है। अपने इधर बॉम्बे में अगर आप लोग वाइन शॉप से लोगे तो 190 से स्टार्ट होता है। और कैंस वगैरह आप लोगों को 120 से मिल जाएगी फ्रेंड्स। विस्की वगैरह लेना है तो 120 से मैकडॉनल्ड्स, सही है। तो क्वार्टर का भाव है मस्त। वोडका वगैरह आप लोगों को लेना है तो 60 ml 100 रुपीज़, रम 100 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, जिन ब्रांडी ये सब 100 से स्टार्ट होता है। फेनी है, काजू फेनी है, कोकोनट फेनी है, वाइन है, टकीला शॉट्स है, सही है। ये सब कॉकटेल्स आप लोग ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स, जस्ट वाओ यार। यहाँ पे अगर आप लोगों को फ्रीकी मॉकटेल्स चाहिए तो आप लोग वो भी ट्राई कर सकते हो। इवन जूस वगैरह ट्राई करना है तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे लस्सी अगर आप लोगों को चाहिए तो लस्सी भी ट्राई कर सकते हो। मिल्क शेक भी है, 150 से स्टार्ट होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स आप लोगों को चाहिए तो सोडा 30 रुपीज़ से, और चाय वगैरह पीना है तो 50 रुपये से स्टार्ट होता है, सही है। इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहते हो तो 450 में है। इंग्लिश ब्रेकफास्ट में आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ऑमलेट वगैरह ट्राई करना है तो 100 रुपीज़ में प्लेन ऑमलेट है। सैंडविच वगैरह आप लोग ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे सूप्स भी है फ्रेंड्स, और वेज स्टार्टर्स में आप लोग ट्राई कर सकते हो। मैंने रोस्टेड पापड़ मंगाया जो कि 60 रुपीज़ का है, और ग्रीन सैलड भी है यहाँ पे, चाइनीज़ वेज है यहाँ पे। नॉनवेज स्टार्टर में मैंने चिकन लॉलीपॉप मंगाया सिर्फ 380 रुपीज़ में, शैक पे बैठ के, वो भी बीच के सामने फ्रेंड्स, जस्ट वाओ। नॉनवेज में आप लोगों को चिकन मंचूरियन वगैरह चाहिए तो वो भी आप लोग मंगा सकते हो, चिकन 65 मंगा सकते हो। एंड सी फूड स्टार्टर से आप लोगों को प्रॉन्स, किंग फिश, पापलेट या जो भी आप लोगों को ट्राई करना है आप लोग कर सकते हो फ्रेंड्स। सी फूड स्पेशल में आप लोगों को गार्लिक मसाला टाइप में भी मिल जाएगा। सिजलर्स भी है यहाँ पे, स्टिक भी है आप लोगों को अगर चाहिए तो। पास्ता, इटालियन पास्ता, नॉन वेज, चॉप्सी है, तंदूरी वेज, तंदूरी नॉन वेज, नूडल्स है आप लोगों को, चिकन नूडल चाहिए ना तो फ्रेंड्स 350 में मिल जाएगा, सही है फिर तो। इवन अगर आप लोगों को राइस वगैरह चाहिए तो आप लोग राइस मंगा सकते हो, फ्राइड राइस मंगा सकते हो, या फिर जीरा राइस चाहिए तो जीरा राइस मंगा सकते हो 200 रुपीज़ का। दाल फ्राई चाहिए तो आराम से 200 में मिल जाएगा। नॉन वेज क्यूजिन भी आप लोगों को बहुत सस्ते रेट में मिल जाएगा, सही है यार। यहाँ पे तो बिरयानी वगैरह भी है, 300 रुपये से वेज बिरयानी स्टार्ट होती है। प्लेन रोटी वगैरह 40 रुपये से स्टार्ट होता है। एंड गोवन स्पेशल है चिकन विंडालू 400 में। रायता वगैरह अगर आप लोगों को चाहिए तो 100 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। पैनकेक्स वगैरह भी आप लोगों को 200 रुपीज़ में मिल जाएगा। वाओ यार सही है, बे वॉच कैफ़े ज़रूर आना। आज कितने बजे यो
Hi Bimbi, you're on my vlog. Yeah. Hello. Superb, yaar, superb. Beer aur papad bhi manga hai. Welcome to our vlog. तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो बियर और पापड़ आ चुका है, मस्त पीते हैं अभी बियर बैठ के, सिर्फ मैं पीने वाला हूँ यहाँ पे, तो अभी फुल धमाल करते हैं। आप लोग देख सकते हो जादू है ऐसे ढक्कन लगा देने का कभी भी, क्या इसमें गैस नहीं होता। चीयर्स, चीयर्स टू गोवा, चीयर्स टू लाइफ। वाओ, शैक पे बैठ के पीने का मजा ही कुछ और है। पापड़ खाते बहुत टाइम से, वो मैं ये करना चाहता था, शैक पे बियर पीऊँ और पापड़ खाऊँ। वाओ, जस्ट वाओ। लॉलीपॉप आ चुका अपना, एंड टेस्ट करके देखिए इसको। अच्छा, बट काफ़ी छोटा है, बड़ा है, आठ पीस है देखो, तीन चार पाँच छः सात आठ, तो अच्छा गर्म है, ठीक है, 380 रुपीज़ के हिसाब से सही है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने मंगाया एक और बियर और फ्राई पापड़, वो बियर मैंने ख़त्म की और ये बियर मैंने मंगाई है। वाह, और आया मेरा फ्राई पापड़। तो फ्रेंड्स एंजॉय करते बियर को। राउंड टू इज जस्ट सुपर। वाटर स्पोर्ट्स इतना दूर लेके गए ये लोग पैरासेलिंग के लिए, बाप रे दिख भी नहीं रहे यहाँ से सच में। ओ माय गॉड, बाप रे बहुत दूर है यार यहाँ से। अगर आप लोगों को वाटर फोबिया है तो प्लीज़ मत करना फ्रेंड्स, सच बोल रहा हूँ, वाटर फोबिया है तो बिल्कुल भी मत करना। OMG, बाप रे इतना दूर है। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को बालों में कोई नया हेयर स्टाइल करवाना है तो वो भी आप लोग यहाँ पे करवा सकते हो सिर्फ 50 रुपये में फ्रेंड्स। और इवन अगर आप लोग दोस्त लोग हो तो आप लोगों का पूरा ग्रुप यहाँ पे आके चिल कर सकता है और रिलैक्स कर सकता है। सो फ्रेंड्स अभी निकल चुके कैलंगुट बीच से और अभी हम लोग जा रहे हैं हम लोग के होटल में कैमलोट फैंटेसी रिसोर्ट, और वहाँ से हम लोग का बैग लेंगे और फिर निकलेंगे हम लोग अपने घर की तरफ, यानी कि मडगांव स्टेशन की तरफ। तो चलिए अब चलते हैं। गाइस अगर आप लोग 250 में चाहिए, ये 200 में मिलेगा क्या? मिल जाएगा, ओके 200 में भी आप लोगों को मिल जाएगा, सही है, सुपर्ब है यार, सुपर्ब। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे कलंगुट के मार्केट में, और आप लोगों को मिल जाएगा ये 350 का है ना, ये 350 का है ना, एक्सक्यूज मी, ये 350 का है ना, ओके कितना है इसका? वाह, क्रिश्चियन डियोर गाइस, ये कितने का है? भाई 850 था, ये 850। आपला बोरुली मध्ये 500 रुपये ले, तेच 400 रुपये, 350 आत काही नाही आहे भाई। वाव यार, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप लोग देख सकते हो,
ये आप लोगों को 350 में मिलेगा, ये भी 350 में। सही है यार, 350 में, 350 में ये वन पीस। वाह, कलंगुट में आके आप लोग आराम से शॉपिंग कर सकते हो फ्रेंड्स। ये 400 का है, ये भी 400 का है, और ये सब भी 400 के। अच्छा तो फ्रेंड्स ये 350 का है। वाह, अच्छा ये ओके, ठीक है आंटी चलेगा, थैंक यू। तो फ्रेंड्स कलंगुट बीच पे शॉपिंग कर लिए और अपनी बैग मैंने ले ली है कैमलॉट फैंटेसी रिसोर्ट के रिसेप्शन एरिया से, और अभी बोलते हैं बाय बाय कैमलॉट फैंटेसी रिसोर्ट। तो चलो अभी चलते कुमार भाई को उनकी बाइक रिटर्न करते और उसके बाद हम लोग निकलते सीधा स्टेशन पे और अपनी ट्रेन पकड़ के पहुंच जाएंगे सीधा मुंबई। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल।